नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्रद्धा और अफताब की। ये प्रोग्राम है श्रद्धा और अफताब की जिंदगी को लेकर। आप सभी जानना चाहते हैं कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई, कैसे इनकी जिंदगी की शुरुआत, कैसे इनकी दोनों के बीच के प्यार की शुरुआत हुई और उसके बाद क्या से क्या हो गया। आज हर किसी की जुबान पर इस कहानी के बारे में चर्चा है और हर कोई कपकपाते हुए इस बात का जिक्र कर रहा है, तो कोई मुंह बना रहा है कि कैसी बातें कर रहे हो। कहानी का ऐसा मोड़, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त आफताब अभी भी जिंदा है। अभी भी आफताब को कोई सजा नहीं मिली है, सिर्फ जेल में बंद है और यहाँ पर सबूतों को खंगालने की कोशिश की जा रही है क्योंकि पुख्ता सबूत के साथ ही उनको सजा मिल सकती है। साथ ही आपको बता दें कि इस कहानी की शुरुआत किस तरह हुई, आखिरी तक देखिए क्योंकि आखिरी रिपोर्ट में ही असल खुलासा करेंगे। आपको बता दें कि आफताब और श्रद्धा मुंबई की रहने वाली हैं और यहाँ पर एक आम परिवार की जिंदगी जी रहे थे। श्रद्धा हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती हैं, तो वहीं आफताब मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते हैं। फिलहाल यहाँ धर्म की तो कोई बात नहीं, धर्म की बात तो बाद में आई, लेकिन इससे पहले जहां ये कहा जाता है कि श्रद्धा और आफताब डेटिंग ऐप पर मिले, इससे पहले ये भी बात सामने आ रही थी कि श्रद्धा और आफताब कॉल सेंटर में मिले, लेकिन इसकी जो सच्चाई है वो ये है कि श्रद्धा कॉल सेंटर में जॉब करती थी और आफताब और श्रद्धा एक डेटिंग ऐप पर दोनों की बात हुई, दोनों ने मुलाकात की। कई ऐसी चीजें आफताब की थी जो श्रद्धा को अट्रैक्ट कर रही थी और यहाँ पर दोनों के बीच इन्हीं चीजों को लेकर प्यार शुरू हुआ। साथ ही आपको बता दें कि आफताब जो है उनकी उम्र 27 साल की है, तो वहीं यहाँ श्रद्धा की उम्र 25 साल की है। जब दोनों के बीच प्यार हुआ तो प्यार इस कदर हुआ कि दोनों ने फैसला किया कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप पे रहेंगे। शादी का जिक्र भी नहीं, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप का तो हुआ। अब इस चीज को लेकर दोनों ने अपने घर बात की, ना ही आफताब का परिवार माना और ना ही श्रद्धा का परिवार माना। श्रद्धा ने परिवार के खिलाफ जाकर फैसला लिया कि मैं आफताब के साथ रहूंगी और घर में कह दिया कि मैं अब आपकी बेटी नहीं हूं, मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूं, मैं 25 साल की हो गई हूं। श्रद्धा घर छोड़कर चली जाती हैं, आफताब और श्रद्धा फैसला लेते हैं और मुंबई छोड़कर दिल्ली आते हैं, यानी कि जो हमारे हिंदुस्तान की राजधानी है दिल्ली आकर वो एक घर में बस जाते हैं। यहाँ पर श्रद्धा और आफताब ने पति पत्नी बताया, एक दूसरे को कहा कि एक पति पत्नी है, एक जोड़ा है और उन्हें कमरा चाहिए। उन्हें एक फ्लैट मिल गया, 302 फ्लैट नंबर है, उस फ्लैट में दोनों रह रहे थे। दोनों रहे, काफी कुछ हुआ, लेकिन दोनों के बीच झगड़े भी शुरू हुए। जहां प्यार होता है वहां झगड़ा भी होता है, लेकिन ये झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि आखिरी अंजाम क्या हुआ वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप सब जानते भी हैं। आपको बता दें कि वो वजह क्या थी। जिस तरह से दोनों असल जिंदगी जी रहे थे, अच्छी जिंदगी दोनों ने लिव इन रिलेशनशिप में जी, लेकिन थोड़े टाइम बाद दोनों के बीच कुछ ऐसी लड़ाई शुरू हुई कि घर के खर्चे कौन चलाएगा। बात यह भी सामने आई कि श्रद्धा आफताब से शादी करना चाहती थी कि अगर इतना टाइम लिव इन में रहे हैं तो अब शादी भी कर लेते हैं, लेकिन आफताब उसके लिए कभी राजी हुए ही नहीं। बात यह भी आई कि दोनों में से घर का खर्चा कौन चलाएगा, इस चीज को लेकर भी आपसी विवाद शुरू हो गया। आपको बता दें कि यहाँ पर श्रद्धा के परिवार का श्रद्धा से कोई कांटेक्ट नहीं था, लेकिन श्रद्धा के दोस्तों से श्रद्धा का कांटेक्ट था और उन दोस्तों की वजह से यहाँ पर श्रद्धा का परिवार बातचीत करने की कोशिश करता था कि वो उससे बातचीत कर सके। आपको बता दें कि श्रद्धा काफी कुछ अपने दोस्त से शेयर करती थी। यहाँ श्रद्धा ने यह भी बताया कि आफताब ने उन पर हाथ उठाया है, आफताब उनके साथ मारपीट करने लगा। ये बात जब श्रद्धा के माँ बाप को पता लगी, श्रद्धा अपने माँ बाप के घर लौट आई, लेकिन फिर से श्रद्धा वापस चली गई क्योंकि यहाँ पर आफताब उन्हें सॉरी बोलकर उनसे माफी मांगकर अपनी गलती मानकर उन्हें वापस ले गया। श्रद्धा ने कॉल पर अपनी माँ को भी सारी बात बताई, लेकिन इसी बीच उनकी माँ का निधन हो गया और एक बार फिर श्रद्धा सोच समझ कर फाइनली घर छोड़कर अपने माँ बाप के पास आ गई। अब माँ तो थी नहीं, लेकिन पिता ने यहाँ पर बहुत कोशिश की कि अपनी बेटी को समझा पाए। पिता और भाई ने दोनों ने खूब समझाया, लेकिन श्रद्धा यहाँ पर समझी भी, लेकिन जब आफताब फिर से आए माफी मांगी, श्रद्धा उनके साथ चली गई।
अब श्रद्धा वापस तो चली गई, लेकिन ये नहीं पता था कि श्रद्धा इस बार जा तो रही है पर कभी लौट कर नहीं आ पाएगी। ना ही उनके पापा को पता, उनके पिता, उनके भाई को पता था कि श्रद्धा हमारी कभी वापस नहीं आ पाएगी। उन्होंने भी बहुत रोकने की कोशिश की, जैसे कि उनके पिता ने बताया है कि हमने बहुत रोकने की कोशिश की, अगर आज मेरी बेटी नहीं जाती तो शायद वो जिंदा होती। श्रद्धा वापस तो चली गई, लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच आफ्ताब ये प्लान कर चुका था कि मैं किस तरह से श्रद्धा की जान लूं। आफ्ताब ने डॉक्टर से कंसल्ट किया, कुक से कंसल्ट किया, शेफ से कंसल्ट किया, बहुत सारे लोगों से कंसल्ट किया, आरी भी लेकर आया, आरी से कैसे कट करना है उसने सारे इंतजाम कर दिए। अब मौका देखा और मौका वारदात यहां पर आफ्ताब ने अटैक किया श्रद्धा पर और उनकी जान ले ली। बाथरूम में आरी से आफ्ताब ने श्रद्धा के बॉडी के पीसेस किए। आफ्ताब ने एक फ्रिज खरीदा जिसमें वो उसकी बॉडी रख सके और कमरे में स्मेल ना हो, उसके लिए उसने अगरबत्ती और रूम फ्रेशनर लाकर रख दिए और उनके कमरे से भी काफी कुछ बरामद हुआ है। इसी बीच आपको बता दें कि फ्रिज में आफ्ताब ने सारे बॉडी पीसेस रखे हुए थे और हर रात 2 बजे वो उन पीसेस को गायब करने जंगल में जाया करता था। इसी बीच आफ्ताब ने एक और बहुत चौंकाने वाला खुलासा किया है और आप भी दंग रह जाएंगे कि श्रद्धा का सर जो अभी नहीं मिल रहा है, आफ्ताब ने उस सर का, उस मुंह का मेकअप किया है और रोज उसे घूरता था फ्रिज के ऊपर रख के। साथ ही आपको बता दें कि जिस बीच ये पीसेस, बॉडी पीसेस फ्रिज में थे, आफ्ताब डेटिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहा था और लड़कियों से बातचीत कर उन्हें रूम में बुलाता था। जिस वक्त श्रद्धा की बॉडी घर में थी, आफ्ताब दूसरी लड़कियों को घर में बुलाता था। इस तरह की जो किस्से रहे हैं श्रद्धा के जिंदगी के, श्रद्धा ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर आफ्ताब ने श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को भी जलाया है जिससे पहचान ना हो सके कि ये कौन है। और अब फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक सामने आई है बात कि श्रद्धा के दांतों से पता लगाया जाएगा कि श्रद्धा कौन है। साथ ही आपको बता दें कि कुछ ब्लड सैंपल्स किचन से मिले हैं। यहाँ पर हर जगह से घर इतना साफ सुथरा था, क्लीन था कि आफ्ताब ने ब्लड सैंपल्स सब रिमूव कर दिए थे। बाथरूम में जब उसने बॉडी कट की तो शावर हमेशा चलता रहा, टैप चलती रही जिससे सारा ब्लड साफ हो गया, लेकिन किचन में थोड़ा सा ब्लड रह गया था जो कि फॉरेंसिक टीम के हाथ में आया है और उन्होंने उसको और श्रद्धा के पिता का DNA टेस्ट उस पर किया और जानने की कोशिश की कि आखिर क्या सच है। साथ ही आपको बता दें कि इस केस में बहुत सारी चीजें रही, क्योंकि अब इतना कुछ होने के बाद मामला सामने ये आना है कि आखिर आफ्ताब जो है वो श्रद्धा को क्यों मार रहा था, क्यों जान ले रहा था, क्या क्या दिक्कतें रही, क्योंकि अभी पुख्ता सबूत सामने नहीं आए। लेकिन जिस तरह से एक एक चीज सामने आई, कई हड्डियां मिल चुकी हैं, कई बॉडी पार्ट्स मिल चुके हैं, सर हाथ में नहीं आया, श्रद्धा का फोन नहीं मिल रहा, यहाँ पर चैटिंग सामने आई है, डेटिंग ऐप पर आफ्ताब की ID सामने आई है और बहुत सारे सबूत अभी आफ्ताब के जो हैं उनके खिलाफ पुलिस के पास है, लेकिन कोर्ट ने अभी उन्हें रिमांड पर रखा है। कुछ खास एक बड़ा डिसीजन नहीं लिया गया। यहाँ पर परिवार की मांग ये है कि श्रद्धा को इंसाफ मिले और परिवार के साथ साथ कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि श्रद्धा को इंसाफ दिया जाए, जो कि यहाँ पर किया गया। यहाँ पर फांसी की सजा की मांग की जा रही है कि आफ्ताब को फांसी की सजा मिले और श्रद्धा और उनके परिवार को इंसाफ मिले। ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 9।